अब बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां उन्नाव कांड को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। जहां सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर मृतक लड़की के प्रति शोक सभा आयोजित की और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसीएम को सौंपा और ज्ञापन में मांग की है कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जाए। इसके साथ ही पीड़ित के परिवार को 50 लाख रुपए की मदद दी जाए। इसके बाद सपा से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरीके से हैदराबाद में आरोपियों का एनकाउंटर किया गया है, उसी तरीके से योगी सरकार को भी आरोपियों को एनकाउंटर करने का आदेश दे देना चाहिए। आज हमने उन्नाव की जो हमारी बहन है उसकी श्रद्धांजलि सभा यहाँ आयोजित की गई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर, और मांगे हमारी ये रही कि जैसे हैदराबाद पुलिस ने एनकाउंटर में आरोपियों को मार गिराया, वैसे ही हमारी सरकार को भी आदेश दे देने चाहिए। उन्नाव में जो रेप विक्टिम थी उसमें बाद में जला के फेंक दिया गया, जब वो अदालत जा रही थी अपने इंसाफ की दुहाई देने के लिए। और ये घटना एक नहीं, उत्तर प्रदेश में आए दिन एक रवैया हो गया है ऐसा होने का। सबसे अफसोस की बात ये है कि जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो बहुत गरीब लोग हैं, अगर वो दुष्कर्म करते हैं तो वो भी इतने ही पापी हैं जितना कि बड़ा पापी है।